दोस्तों, आयुर्वेद की सबसे ज्यादा अंडररेटेड जड़ी बूटी जिसके बारे में एक तो लोग जानते ही बहुत कम हैं, और जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो भी इसके कुछ लिमिटेड एक या दो प्रयोग जानते हैं, इससे ज्यादा उनको जानकारी नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं उसी अंडररेटेड जड़ी बूटी के बारे में जो है पहाड़ी इमली का बीज। इमली आप सबने इस्तेमाल की होगी, आमतौर पर जो इमली का बीज आपने देखा है वो लगभग मेरे इस नाखून के बराबर होता है, लेकिन हम आज बात करेंगे इस पहाड़ी के इमली के बीज की। इसकी खासियत अगर शुरू करूं तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी तासीर। इसका सेवन दोनों लोग कर सकते हैं, चाहे जिनकी तासीर सर्द मतलब ठंडी या फिर जिनकी तासीर गर्म हो, वो दोनों ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी है। अब जब धीरे धीरे इसके प्रति लोगों में रुचि आई है तो साइंस ने भी इसमें रुचि दिखाई, न सिर्फ भारत में, भारत के बाहर भी तमाम सारी ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। भारत की ऑर्गेनाइजेशन NCBI उसने इसमें रिसर्च की और पाया कि इसमें पॉलीसैकेराइड नाम का एक तत्व पाया जाता है जो तत्व हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा सकता है। आज की इस वीडियो में आपको मैं 5 प्रमुख फायदे बताऊंगा जिन दशाओं में आप इसका प्रयोग करके अपने रोग को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एक ऐसा गुण बताता हूं जिसकी वजह से आप इसका 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पित्त के शमन का काम करता है, तो वो सारे लोग जिनको पित्त की शिकायत रहती है वो 12 महीने इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, वो सारी महिलाएं जिनको डिलीवरी हुई है, जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे को जन्म देने के बाद माता के शरीर में ऑटोमेटिकली बहुत सारी कमजोरियां आ जाती हैं और शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। उस दर्द का निवारण करने के लिए हमारी प्रथा है, प्रचलन है कि हम तरह तरह के पकवान बनाते हैं जिन्हें कई जगह हरीरा या पंजीरी कहते हैं। यदि आप अपनी उस पंजीरी में, अगर आप आधा किलो के मात्रा में पंजीरी बना रहे हैं, तो आप इस इमली के बीज की गिरी निकालनी है आपको, जो मैं अभी आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा किस तरीके से निकलती है। 50 ग्राम की मात्रा में आप इसकी गिरी का प्रयोग करें आधा किलो पंजीरी में, तब आप देखेंगे कि उसके शरीर में होने वाला दर्द, जो किसी भी तरीके का हो, वो सारे ही दर्द बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इसका जो दूसरा प्रयोग है वो पुरुषों के लिए बहुत गुणकारी है। पहला तो वो सारे पुरुष जो वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, जब वो जिम जाते हैं तो अपनी बॉडी को और अच्छा बनाने के लिए वो तरह तरह की प्रोटीन डाइट लेते हैं। अब उस प्रोटीन डाइट लेने से उन्हें एक नुकसान होता है, उनके शरीर में जो धातु है वो पतली हो जाती है। अब ये धातु पतली होने के बाद बहने लगती है, धातु बहुत ज़्यादा बहने लगती है, तो उस दशा में क्या होता है, उनका शरीर अंदर से कमज़ोर होने लगता है। इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें प्राकृतिक तौर पर ही धातु पतली होती है और वो बहती रहती है। ये धातु आपके शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न करती है, आपको तरह तरह की कमजोरियां देती है, और इसी धातु की वजह से आपका किसी काम में मन नहीं लगता। तो वो सारे लोग जिनकी धातु पतली है, धातु बहती है, वो इसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं, आप ये गिरी लें, गिरी को पानी में डालें, 3 दिन तक उसे लगभग पानी में रहने दें। 3 दिन तक पानी में रहने से इसका बाहर का कवर थोड़ा मुलायम हो जाता है, आप इसे तोड़ें, जब आप तोड़ेंगे तो देखेंगे इसके अंदर से एक सफ़ेद रंग की गिरी निकलती है। आप उस गिरी को छाँव में सुखाइए और सुखा के उसका पाउडर बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस पाउडर को गाय के घी में हल्का सा भून लीजिए। ये सफ़ेद रंग का पाउडर जब हल्के सुनहरे रंग का हो जाए तब उसे आप कैसे उतारें, और उस पाउडर का सेवन आप गाय के दूध के साथ 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह और शाम करें। लगभग 2 से लेकर 3 हफ्तों में जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो देखेंगे आपके शरीर में जो धातु बहने की समस्या है वो जड़ से खत्म हो चुकी है। और दोस्तों, इसका अगला प्रयोग उन लोगों के लिए जो पुरानी से पुरानी खूनी बवासीर से परेशान है, उनको इसका प्रयोग किस तरीके से करना है, आप इसकी गिरी लें और उस गिरी को लोहे का तवा या लोहे की कढ़ाई किसी चीज़ में डाल दीजिए और ढक के रख दीजिए। थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो ये भून कर कुछ राख जैसी बन जाएगी। आप उस राख का सेवन 1 चम्मच की मात्रा में सुबह और शाम दही के साथ करें। जब आप लगातार इसका सेवन 5 से लेकर 7 दिन ही करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको आपकी खूनी बवासीर में काफ़ी आराम मिला है। और दोस्तों, इसका चौथा फायदा, जैसा मैंने आपके वीडियो में शुरू में बताया था कि NCBI ने जो इसमें रिसर्च की उसने पाया कि इसमें पॉलीसैकेराइड होते हैं। अब ये पॉलीसैकेराइड आपके लिए किस तरीके से काम के हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लगातार कुछ लोग बीमार रहते हैं,
अब जब हम लगातार बीमार रहते हैं, दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। ये पॉलीसैकेराइड आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। यदि आप किसी तरीके से बीमार नहीं भी हैं, तब भी आप इन इमली के बीजों का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, पाँचवा फायदा, वो सारे लोग जिनको UTI है, मीन्स कि जिनको पेशाब में जलन, बार बार पेशाब आता है, पेशाब का रंग पीला है, इन सारे लोगों को भी इमली का ये बीज बहुत आराम दे सकता है। जिसके लिए उन्हें करना क्या है कि वही सेम जो आपने इमली के बीजों को भूनकर जिनका सेवन किया था, आप उसे दूध के साथ सेवन कीजिए। तो वो सारे लोग जिनको पेशाब में किसी भी तरीके की समस्या है, उनको इमली के बीज से बहुत लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे पहाड़ी इमली बीज के कुछ चुनिंदा फायदे। पहाड़ी इलाकों में तो ये इमली के बीज बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में इनको पा पाना उतना आसान नहीं। यदि आप घर बैठे इमली के बीज पाना चाहते हैं, तो आप इसका ऑर्डर हमारी वेबसाइट www.jadibootistore.com पर भी कर सकते हैं। और यदि दोस्तों ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं जो पहाड़ पर रहते हैं, यदि आप अपनी दिनचर्या में इस पहाड़ी इमली के बीजों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन चीज़ों में आप इसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।